सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। हमारी आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, उससे पूर्व घर घर तिरंगा जो हमारा अभियान है, जो राष्ट्रभक्ति की भावना हमारे अंदर जागृत करता है, उसे लेकर देश का हर व्यक्ति जब तिरंगा लेकर के चलता है, उसके मन में राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से जो उसका जज्बा है और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए ये जज्बा बहुत आवश्यक है। इस मौके पर मैं आप सभी को राष्ट्र के प्रति हमें समर्पित होकर के राष्ट्र के उन सभी कार्यों को जो हमारा प्रदेश हमारा देश आगे बढ़े ऐसे कार्यों को हमें करना है, इस मौके पर मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो आज मैं 78 स्वतंत्रता दिवस जो आने वाला हमारा 15 अगस्त, सभी को पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ। और इस जो तिरंगे की जो महत्व है उसको समझाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हर घर तिरंगे का जो अभियान चलाया है उसी के तहत आज ये तिरंगा रैलियाँ यहाँ हमारे यहाँ जयपुर शहर में निकाली जा रही है। इस तिरंगे का जो महत्व है, जब तिरंगा हाथ में आता है तो अपने आप ही एक देशभक्ति का जज्बा एक अंदर से आता है, भावनाएं जागृत होती है। और इस तिरंगे का महत्व उस समय का है जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, तब से लेके आज तक हम उसको मनाते हैं। तिरंगे का अपने एक तीनों रंग जो है और बलिदान का जो महत्व है, आज भी तिरंगे के लिए लोग अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। और मैं कहती हूँ पूरे देश को हर घर में तिरंगे को लगाना चाहिए, उसका महत्व को जानना चाहिए। आपकी सबके चैनल के माध्यम से भी कहती हूँ 15 अगस्त के दिन सब अपने घर पे अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराएं और शाम को उसको उतार के भी रख दें। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और इसके तहत करोड़ों देशवासी जुड़ चुके हैं। और तिरंगा हमारी शान है हमारे, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस की धरा के ऊपर जिस तरह तिरंगा एक वहां लहराता हुआ देखकर दूसरे देश की धरा पर हम तिरंगा देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमें भारतीय होने पर हमें गर्व महसूस होता है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी ने तिरंगा मैराथन को फ्लैग ऑफ किया है। साथ में वो बच्चों के साथ में, क्योंकि उत्सुकता और बच्चों का जो उत्साह था तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी साथ में भी उनके चले तिरंगा मैराथन में, और हमारी जयपुर की सांसद भी आई। और ये हम सबका मान सम्मान और हम सबकी जिम्मेदारी भी होती है कि हमारे हर घर तिरंगा, हमारे मन में तिरंगा है पर हमारे घर पर भी तिरंगा होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। देखिए राष्ट्रभक्ति का भाव और 15 अगस्त आ रही है तो ये उत्साह है, होना तो लाजमी है। और जिस जो उत्साह है वो देशभक्ति का, राष्ट्र प्रेम का उत्साह है। और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जब स्वतंत्रता हमें मिली तो उस काल को याद करती हैं, उस काल को उस पूरे संग्राम को जो है स्वतंत्रता संग्राम को उसको भी याद करती है और याद रखना भी चाहिए, विस्मृत नहीं होना चाहिए कि आज उन्हीं की वजह से हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के साथ में जी रहे हैं। स्कूली छात्रों की छुट्टी है आज, उसके बावजूद यहां पे बुलाया गया है। देखिए तिरंगा यात्रा है, स्वेच्छा से कोई भी रजिस्ट्रेशन होता है तो 14 जैसे रजिस्ट्रेशन हमारे हुए तो उनमें अब ये नहीं बताया जा सकता कि किसने भाग लिया है या नहीं लिया है। और अगर स्वेच्छा से राष्ट्रभक्ति के लिए कोई आना चाहता है तो वो हमेशा आमंत्रित है। बकायदा नोटिफिकेशन के लिए जारी किया है, शिक्षा विभाग ने स्कूलों को पाबंदी भी किया है।
इसका मुझे, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे है, मुझे ये पता है कि तिरंगा यात्रा के अंदर पूरा जयपुर इस यात्रा में, इस देशभक्ति की यात्रा के अंदर, और आज इंद्र भगवान ने भी हमारा साथ दिया है कि आज बारिश नहीं हुई है। हाई अलर्ट होने के बाद में भी देशभक्ति में इतनी ताकत है कि आज बारिश भी रुक गई है। आगे बढ़ने भी नवाचार है जब राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री।